हरी पर्वत घाटी आजम खां में आधी रात के बाद दुकान में भीषण अग्निकांड हो गया। ग्राउंड फ्लोर में आग लगने के बाद आग के लपटों ने 3 मंजिला इमारत को भी अपनी आगोश में ले लिया, जिसमें गद्दों के साथ साथ किचन का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। थाना हरिपर्वत घाटी आजम खां में अंशिका फर्निशिंग हाउस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तीसरी मंजिल को आगोश में ले लिया। पश्चिमपुरी सिकंदरा के रहने वाले अक्षय सिंह ने बताया कि ताज प्रेस क्लब के पास करीब 2 माह पूर्व किराए की बिल्डिंग में अंशिका फर्निशिंग हाउस खोला है। इसमें गद्दों के साथ मॉड्यूलर किचन बनाने का कार्य किया जाता है। अक्षय सिंह रविवार रात रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर गए थे। आधी रात के बाद दुकान में आग लग गई। अग्निकांड में लाखों का नुकसान होना बताया गया है। कम से कम नुकसान 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आग का कुछ पता नहीं है, 2 या 2 से 2.5 बजे के बीच में आग लगी है। क्योंकि सुबह पता चला है, कॉल आया जब, मेरा पूरा मॉड्यूलर किचन का, पूरा गद्दे का, फोम का, सब सबका था। कैसे लगी आग, कुछ आग की कोई जानकारी नहीं कैसे लगी। क्या मंजिला आपका जो शोरूम है? ये 3 मंजिला बना हुआ है। आग कैसे लगी, नीचे से या ऊपर से? आग नीचे से लगी है। इसका कोई आइडिया नहीं है। घटिया जैसे रिहायशी इलाके में रात के समय आग लगने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। किसी कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे राहगीर ने आग लगने की सूचना घटिया चौकी पर दी। पुलिस पहुंचती इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग तीसरी मंजिल तक पहुँच गयी। अंशिका फर्निशिंग हाउस जल उठा। आसपास में उठती लपटों को देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर एक-एक आधा दर्जन दमकलों के साथ पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए कांच की खिड़कियों को भी तोड़ना पड़ा। जब तक आग बुझाई गई तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। मैं रात को डाइवे शादी में से आ रहा था, तो यहाँ से निकल रहा था, तो एक छोटा सा फोल्ड हुआ था, तो मैंने थोड़ा सूचना दिया यहाँ पे गड्ढे चौकीन से, तो चौकीन चार ने कहा ठीक है अभी हम जाके देखते हैं। जब तक मैं यहाँ पे रहा तो बहुत भयंकर आग लग चुकी थी। मैं दोबारा जाके कहा सर आग बहुत लग चुकी है, तो 2 कोबरा वाले आए, बिन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। मेरे सामने 2 फायर ब्रिगेड आई, बिन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी। फिर इसके बाद 3 और आई, 5 फायर ब्रिगेड आएंगे टोटल। 5 फायर ब्रिगेड के बाद पुलिस वाले आए, मेरे से पूछताछ करी आप कहाँ से आए। मैंने शादी में से आया था। हाँ, जो लोग मोहल्ले वाले आ गए थे, जो लोग आ गए थे, और एक कॉले वाले आ गया था, बिट्टू भी आ गया था। नहीं, आग नहीं फैली यहाँ पे, फैल सकती थी, और सामने कैमरे की सूचना भी है, और भी मोहल्ले पर भी आ गए थे। घटिया पुलिस चौकी के नजदीक अंशिका फर्निशिंग हाउस के अंदर गद्दों में आग फैलने के कारण आसानी से बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आसपास घरों के साथ दुकान प्रतिष्ठान होने पर लोग दहशत में आ गए थे। अगर आग समय पर नहीं बुझाई जाती तो आग आसपास के घर प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकती थी। आग बुझने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। प्रतिष्ठान स्वामी अक्षय सिंह की दुकान बीपी ऑयल मिल के पास थी। करीब 2 माह पूर्व किराए की बिल्डिंग लेकर घटिया पर शिफ्ट की थी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।